मुख्य उम्मीदवार रविंद्र वाईकर साहब आए हैं, मैं हम सब की तरफ से उनका स्वागत करता हूं। मैडम आइए 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 सर। सॉरी मैम अभी हम सब साथ में उधर ही जाएंगे, सो दैट योगा और लाफ्टर टू दोनों के साथ साथ में बात करेंगे, ठीक है ना? ओके मैडम। प्रिंसिपल जी पत्र का सगे ना वाटर सुन रहा है, ये हमारा जो लाफ्टर का है, जो लाफ्टर जो है पहले मॉर्निंग में हम लोग ऐसे ये अभी पैम्फलेट बांटेंगे आप लोग 7 ईयर से यहां अभी आज अपने हाउस ठीक है आप लोग दो तीन हाँ इधर रखो सब सामान इधर रखो वादा नहीं अपनी केयर पे अच्छा बैग रखो ना लोग। हाय हाय बिंदु बेन आवे छे तो पेला ने हिसाबे देखातो नहीं ज्ञान गिरी ના ભલે ના આવતા થોડુંક સીધું કરો ના બંને ફ્રેમમાં નથી આવતા જરાક હાથ હા બસ બસ जी जोगेश्वर
मेरी पूर्व विधानसभा क्षेत्र के चार बार विधायक है, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं, 33 साल का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस ये लेकर आते हैं और मुंबई शहर में हुए कुछ काम जो है, जैसे हमारी महानगर पालिका के बच्चों को जो 27 चीजें फ्री में दी जाती है उसकी संकल्पना वाइकर जी की है, मध्य वेतरा जो धरण है उसको बनाने की भी संकल्पना और उसकी पूरी कार्रवाई वाइकर जी ने की है और ऐसे अनेक अनगिनत मुंबई शहर से रिलेटेड काम वाइकर जी के हाथों से हुए हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरी देश की जनता ने यह निर्णय लिया है और उसका ही संकल्प करने के लिए हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। हम सभी ने 22 जनवरी 2024 को मैंने अपने दिन की शुरुआत आपके साथ में यहाँ पर की थी और जहाँ पर राम ने जन्म लिया है मंदिर वहीं बनाया है। पिछले 10 साल में मोदी जी ने जिस प्रकार से इस देश का विकास किया है चांद पर भी आज तिरंगा लहरा रहा है। अलग अलग योजनाओं के माध्यम से कोई लोग कहते थे गरीबी हटाओ लेकिन सही मायने में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर लेकर आने का काम पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बाकी सारे काम तो ठीक है वो तो होते हैं लेकिन सबसे बड़ा काम मैं आपको कहता हूँ कि मानवता के ऊपर आया हुआ सबसे बड़ा संकट जब कोविड का संकट हमारे ऊपर था, हमारे देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, इजराइल की पॉपुलेशन 1 करोड़ है, हमने हर रोज एक इजराइल को वैक्सीनेट किया है और 140 करोड़ के देश को 6 महीने में फुल्ली वैक्सीनेट करके 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर भारत का पैकेज देकर इस दुनिया में पृथ्वी तल के ऊपर सबसे पहले अगर कोई देश कोविड के जंजाल से बाहर निकला तो वो हमारा हिंदुस्तान था। मोदी जी ने सिर्फ हमारे देश के 140 करोड़ लोगों को ही वैक्सीनेट नहीं किया लेकिन इस दुनिया में 100 देशों तक हमारी वैक्सीन पहुंचाकर उन 100 देशों के लोगों का भी प्राण बचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और सही मायने में भारत किस प्रकार से विश्व गुरु आगे बनने जा रहा है वसुधैव कुटुंबकम वन वर्ल्ड फैमिली, पूरे विश्व का जो कल्याण है उसका नेतृत्व आज भारत कर रहा है। और मैं आपको कहता हूं हम पहले जब भी कोई विदेश में जाते थे और कहते थे हम मुंबई से हैं तो लोग बोलते थे हो यू आर फ्रॉम मुंबई बॉलीवुड बॉलीवुड बराबर ना। आज हम जब भी किसी देश में विदेश में जाते हैं और कहते हैं कि हम भारत से हैं तो लोग कहते हो मोदी 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 बराबर की नहीं। और इस प्रकार से द वैल्यू ऑफ एन इंडियन पासपोर्ट हैज मल्टीप्लाइड एक्सपोनेंशियली इन द लास्ट 10 ईयर्स। हिंदुस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू पूरे विश्व में जिस प्रकार से बढ़ी है और भारतवासी की तरफ देखने का पूरे दुनिया का नजरिया जो बदला है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि 2047 में जब भारत की स्वतंत्रता को 100 साल पूरे होंगे तो भारत एक विकसित राष्ट्र बना होगा और वो विकसित राष्ट्र बनाने के लिए फिर से तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री हमें बनाना है और उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमें रविंद्र वाइकर जी जो हमारे महायुति के उम्मीदवार हैं उनके धनुष बाण का बटन दबाकर नरेंद्र मोदी जी को अपना वोट देना है। अपना एक वोट धनुष बाण को अपना एक वोट सीधा जाएगा मोदी जी को। हमारी निशानी यहाँ पर क्या है? हमारी निशानी अंदर जाके कमल लोग ढूंढिएगा, यहाँ पर कमल नहीं यहाँ पर धनुष बाण है। मोदी जी की यहाँ की निशानी धनुष बाण है।
ये हम सब लोगों को याद रखना है। और इस प्रकार से इतने अच्छे उम्मीदवार जो खुद बीएससी पढ़े हुए हैं, वाइकर की दसवीं में तीन बार फेल नहीं हुए हैं, हाँ, और वाइकर जी खुद बीएससी पढ़े हुए पढ़ा लिखा उम्मीदवार, एक्सपीरियंस्ड उम्मीदवार, जिनको अनुभव है, लेजिस्लेटिव एक्सपीरियंस है, जिन्होंने अपने विधानसभा में किए हुए भाषणों की एक किताब भी निकाली थी, ऐसे उम्मीदवार हमें यूपी की तरफ से यहाँ पर मिले हैं। मैं सभी की तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से आपको ये अनुरोध करता हूँ कि इलेक्शन के दिन पर धनुष बाण का बटन दबाकर भारी मात्रा में आप रविंद्र वाइकर जी को विजयी करें, ताकि रविंद्र वाइकर जी संसद में जाकर नरेंद्र मोदी जी के नाम का हाथ जो है वो ऊपर करेंगे और भारत को विकसित बनाने के लिए जो रास्ता है उस रास्ते के ऊपर चलने के लिए, मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए हम सभी लोग वाइकर जी को निर्दोष मतों से विजयी करें, ऐसी विनती आप सभी लोगों को करता हूँ। और हमारे उम्मीदवार रविंद्र वाइकर जी को ये विनती करता हूँ कि आप भी हम सभी लोगों को संबोधित करें। नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार, यहां आप लोगों के बीच में आके मुझे बहुत खुशी हुई है। आप अरबी समुंदर के ऊपर एक्सरसाइज करते हैं, मैं महानगर पालिका का जो एरिया हमारा जो है महाकाली एरिया, वहां मैं एक्सरसाइज करता हूं। बचपन से ही मुझे एक्सरसाइज का शौक है। मैंने तभी 1974 में एक जिम बनाई थी जय हनुमान करके। उसी प्रकार से मुंबई महानगर पालिका में चुन के आने के बाद 92 में करीबन 4 बार में चुन के आया हूं कॉर्पोरेशन में 20 साल, और 20 साल के अंदर पहली टर्म में मैंने मातोश्री जैसा क्लब बनाया। आप लोग जानते हो कि मातोश्री क्लब जोगेश्वरी करोली लिंक रोड पे, वो मैंने 97 में बांधने को लिया, 2000 में पूरा किया, आज उसको 25 साल हो गया। ये जंगल में रास्ता नहीं था, आने जाने के लिए सुविधा नहीं थी, आज उसको जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड करते हैं। 35 साल पहले वहां कोई आ भी नहीं सकता था, यानी जाने के लिए हमें धीरे-धीरे जाता था, धीरे-धीरे चलता। वो मैंने 97 में वो रोड बनाने का कोशिश किया, बंद हो गया। 97 के बाद उसके ऊपर सिक्ल बनाया, सिवाई बनाया, मेरे करीब 22 जिम से मातोश्री के बाजू में मैंने सुप्रीमो करके एक्टिविटी सेंटर बनाया। मैं सिद्धु बिरला गार्डन हाँ बैठते, देखो मैं बैठता ही नहीं, यानी 5 रुपये से लेके बाकी कोई भी पर्सन नहीं, कोई नहीं, इसलिए ड्राइव पर्सन हो। अरे तुमने सुन दादरो, अभी आपने तो ऐसा किया, सीधु बिरला गार्डन जता रहे हो? हाँ या ना, आपको बधु अहियाँ जो आम तो जवानुं छे पाछू, આમ જઈને આમ તો પાછું જવાનું જ છે તમારે, અહીંથી જતા રહેશે તો પેલું આખું સીધું માટી માટી રસ્તા ઉપર ચાલી જશે। તો ઉસી પ્રકાર સે 22 મેરે હેલ્થ સેન્ટર હે, યાને જીમ સે, ઉસમે કા શિવાઈ મેને પહેલા 94 મે બાંધા થા। મેને દેખા ડોક્ટર પ્રભુ ને જો ક્લબ છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ નામ સે જો ક્લબ અંતરરાષ્ટ્રીય સ્વિમિંગ ટેન્ક બાંધા થા, ઉસી કો લેકે મેને मेरे जोगेश्वरी एरिया में ये क्लब बंदा है, वहाँ 23 एक्टिविटीज है, स्विमिंग है, बाकी मतलब हेल्थ क्लब वगैरह ऐसा 23 एक्टिविटी उसके अंदर है। सिवाय मैंने तभी बांधा था उसके अंदर अपने जापू जी सोना
ये सब स्टेम तभी 94 में मैंने बांधने को लिया, तभी शिवाय में पहला बांधा, फिर मातोश्री का निर्माण किया और इसी प्रकार के 22 जिम्स मेरे मेरे एरिया में है। मैंने करीबन 65 मंदिर बांधे, 65। मैं हर जात धर्म की भगवान की कदर करता हूँ, नमन करता हूँ, मगर हिंदू धर्म को मैं श्रेष्ठ ही मानता हूँ, श्रेष्ठ ही मानूंगा। तो 20 साल कॉर्पोरेशन में पानी की समस्या जो अब मुंबई में हम जोगेश्वरी सरोलिंग में ईश्वर आते हैं वो हम मेरी देन है, गोरेगांव में ईश्वर आते हैं वो मेरी देन है, बाद में हमें सांता क्रूज का मिलन सब हुआ, बारिश में हम लोगों को पानी दिखाते हैं सब टीवी वाले वो भी मेरी देन है, विलास राव जी को झगड़ के मैं तब स्टैंडिंग कमेटी में चेयरमैन था तब मेरा और उनका बहुत झगड़ा हो गया, फिर रत्नाकर गायकवाड़ और हम लोग देख के वहाँ कैसे बांध सकते हैं वो बांधने का कोशिश किया और एक ब्रिज का निर्माण मैं करने वाला हूँ जहाँ पहले अभी पिंकी टॉकीज है, जहाँ पहले ऊंचा टॉकीज करते थे वो ब्रिज भी मैं बांधने का प्रयास मेरा चालू है कि जितना हो सके उतना जल्दी वो भी हो जाएगा तो ईस्ट वेस्ट हम कनेक्टेड हो सके। इसी बार चार बार मैं नगर सेवक होने के बाद एसटीपी की शुरुआत मैंने की थी, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की शुरुआत मैंने की थी, हाजी अली के इधर पहला ट्रीटमेंट प्लांट उधर बनाया था 2006 में और उसी टाइम मैंने 8 का प्रपोजल डाला था, मेरे टाइम में मैंने 4 एसटीपी मैंने निर्माण करने का प्रयास किया उसी टाइम से। समिंदर के बारे में मुझे बहुत खुशी होती है, मैं पालक मंत्री था रत्नागिरी जिला का, तब मैं वहां भी समिंदर के ऊपर रत्नागिरी में मांडवी के ऊपर मैं ऐसा ही देखता था जिस प्रकार से इस ये गर्दी है उसी प्रकार से उधर भी गर्दी होती थी, तो हम समिंदर के बाजू बाजू का सब क्लीनिंग रखा था और उधर ओपन जिम पहली महीने वहां 2014 में पहली ओपन जिम मैंने वहां बांधी थी यानी रत्नागिरी के ब्रिज के ऊपर। फिर जितने भी समिंदर के ऊपर जितने भी हमारे एरिया थे राजापुर थे फिर हमारा दापोली था तो उसी जगह पर मैंने ऐसा ओपन जिम बांधने का प्रयास किया है, यानी हेल्थ कॉन्शियस होने के माध्यम से मैं ये काम करते जा रहा हूँ। अभी मैं यहाँ काम करते हैं, अमित जी यहाँ काम करते हैं तो हमें दिल्ली में भी हमारे देश में जो सुदृढ़ हमारे प्रधानमंत्री है जिसने देश को अच्छी तरीके से तरक्की की है करने के लिए प्रयास किया है, मजबूत करने के लिए प्रयास किया है, तो उनके हाथ को मजबूत करने के लिए मुझे आपके माध्यम से आपके वोट से उनके हाथ मजबूत करना है। जिन्होंने आपको मालूम है राम जी का मंदिर बनाया, बाकी के सब सारे याद है टीवी के ऊपर सब आपको मालूम है, तो इसलिए जो काम करते हैं और आगे के लिए हमें वही चाहिए, बार बार तीसरी बार और उसी के लिए उनको चुन के देने के लिए आपकी सहायता की जरूरी है, आपके वोट की जरूरी है और उसी वोट का अभी सिंबल है, कई जगह कमल है तभी कई जगह महायुति का धनुष पान है। तो अभी एक व्यक्ति जी ने कहा कि कमल के ऊपर नहीं इस एरिया में यानी गोरेगांव ईस्ट वेस्ट अंधेरी ईस्ट वेस्ट योगेश्वरी ईस्ट वेस्ट और आपका एरिया यहाँ धनुष बांध रहेगा नहीं तो आप कमल ढूंढते रहेंगे और मैं भी ऐसा ही ढूंढते रहेगा। तो मेरी निशानी अमित जी की निशानी यहाँ अमित जी की निशानी भी धनुष बांध है, मेरी निशानी भी धनुष बांध है और मोदी जी की भी निशानी यहाँ धनुष बांध ही है। तो याद रखिए 20 तारीख को आप पोलिंग बूथ में जाएंगे तभी आप धनुष बांध तीर कमान बो एंड एरो वही ध्यान में रखिए और उसके ऊपर अपन बटन दबा के जितने ज्यादा हो सके उतना वोटिंग करे कि ये हमें मोदी जी के पास सांसद में पहुंचाने वाला रास्ता यही है और यहाँ से ही हमें जाना है और उनके हाथ मजबूत करना है, देश को मजबूत करना है। तो मोदी जी चाहिए बार बार मोदी जी को लाने के लिए आपका सपोर्ट चाहिए, हमें हमारा भारत हेल्दी जो भी है अच्छा बनाना है और उसके एक ही विजन वाला आदमी जो तो देश को इकट्ठा रखे संगठित रखे मजबूत रखे ऐसा एक ही तंत्र प्रधान है।
मोदी जी और इसके लिए उनकी निशानी है धनुष बाण। मैं यहाँ आपके बीच में डिस्टर्ब किया हूँ थोड़ा सा, मगर और ज्यादा और आपका पूरा हो गया? कौन सा काम पूरा हो गया? मुझे तो और काम करना है अमित जी के साथ लेके, हमें ब्रिज के ऊपर ओपन जिम लगा सके तो दो चार ओपन जिम अलग अलग एरिया में लगा सकते है ना, तो उनके लिए मैं भी सहकारी जरूर करूंगा। तो क्लीनिंग का जो मसला होता है आपको मालूम है, सिविक सेंस हम लोग के पास कम है, यहाँ ही नहीं बाहर भी, तो हमें क्लीनिंग ड्राइव जो भी है हर महीने में एक बार बड़ा क्लीनिंग ड्राइव लेना ही चाहिए। खाली हम लोग शोपीस के लिए आते हैं, झाड़ू हाथ में पकड़ते हैं और फिर निकल जाते हैं, फोटो निकालते, हो गया काम। मैंने पूरा बाबा क्लीन यहाँ से वरी तक का फिर मैंने क्लीन कर दिया, ऐसे बोलते हो। तो हमें महीने में एक दिन जो ये हम एक एक्सरसाइज नहीं करते हैं वो एक्सरसाइज करेंगे, क्लीनिंग का ड्राइव का एक्सरसाइज करेंगे, तो उसके अंदर हमें क्लीनिंग मिल सकती है। आप लोग यहाँ आपको मिलके मुझे बहुत खुशी हुई, अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे यहाँ बुलाया। अभी इसके बाद आएंगे तो नरेंद्र मोदी जी के साथ इधर धनुष बाण भी होना चाहिए, नहीं तो आप ही कंफ्यूज करेंगे। मैं आपको विनंती बार बार करूंगा, मेरा फेसबुक अकाउंट है जहाँ मैंने 35 साल में 3 बार मैं आमदार हूँ, 20 साल मैं नगर सेवक हूँ, तो 35 साल का एक्सपीरियंस है, पढ़ा लिखा हूँ। विधानसभा में हम लोग झगड़ते हैं, बहुत झगड़ते हैं, अच्छे काम के लिए, हमारी मुंबई अच्छी करने के लिए, हमारे महाराष्ट्र अच्छा रखने के लिए हम लोग झगड़ते नए कानून करते अच्छे के लिए, और उसके लिए मेरे फेसबुक पे 35 साल का किया काम मेरा सब दिखाई देगा, तब मालूम पड़ेगा एक अनुभवी एक एजुकेटेड आदमी वहाँ जाना चाहिए या अनपढ़ आदमी जाना चाहिए, जो एक्सपीरियंस आदमी जाना चाहिए कि विदाउट एक्सपीरियंस जाना चाहिए। हम बोलेंगे हम पहली में बैठेंगे और हमें ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट दो, मैं उधर जाके करूंगा, तो क्या करेंगे हम लास्ट बेंच पे बैठेंगे, हम लास्ट बेंच पे बैठने वाले नहीं, हम फ्रंट बेंच पे बैठने वाले आदमी है, और इसलिए फ्रंट बेंच पे बैठने के लिए यानी मोदी जी के साथ उनके पीछे बैठने के लिए हम लोग उनके शिष्य ही बन के जाएंगे, तो उसके लिए पीछे ही बैठना पड़ेगा और पीछे बैठ के उनके साथ हम खंधे पे खंधा लगा के देश हित के लिए काम करेंगे। यहाँ आपको देख के मुझे बहुत खुशी हुई है और बार बार आने के लिए लगेगा, तो बार बार आने के लिए मुझे चुन के तो देना चाहिए आपको, हाँ चुन के तो देना चाहिए जरूर ना, तो मुझे जरूर चुन के देंगे, धनुष बाण मेरी निशानी है, मेरी ट्रेन है, मैं भी काम के लिए मेरी ट्रेन हूँ, तो आप मुझे आशीर्वाद देंगे, इसके लिए अमित जी के साथ मैं यहाँ आया हूँ, मुझे देख के आपको खुशी, 20 तारीख के बाद और खुशी, 4 तारीख के बाद तो और खुशी, खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगे, और ये मनाने के लिए मुझे वापिस मैं वापिस एंड वापिस यहाँ आऊंगा। धन्यवाद अमित जी, धन्यवाद आप लोगों का, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। मैं नेता बनी हूँ और ये बने हैं जुदाई के परेश रावल। अगर आपको याद होगा जुदाई के परेश रावल सवाल पे सवाल करते थे, ठीक है, इनके चेहरे पे भी आप एक क्वेश्चन मार्क देते, तो हमने अपने वोटिंग का अपील एक स्किप के माध्यम से तैयार किया है। रात में हम दोनों ऑनलाइन थे और आज हमने ये आपके सामने पेश कर रहे हैं, तो आप सब तालियों से हमारा स्वागत करिए और वार्म अप हो जाएगा। वेरी गुड, नमस्ते भाइयों और बहनों, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। देश का नेता कैसा हो मेरे जैसा हो, देश का नेता कैसा हो मेरे जैसा हो। तो भाइयों, भारत जो मतदान मना रहा है, मतदान का त्योहार मना रहा है, तो आप सभी का वोट बहुत कीमती है,
तो आप वोट करने अवश्य जाएंगे और इस महात्यौहार में शामिल होंगे, क्योंकि वोट करना आपका राइट है। तो लेफ्ट क्या है? अरे राइट मतलब आपका अधिकार है, देश की भलाई के लिए वोट डालो। तो गांव की भलाई कौन करेगा? अरे गांव की भलाई के लिए भी वोट डालो। अगर सभी जन अपने देश को वोट का देंगे योगदान, तो होगा बहुत अच्छा योगदान। अरे योगदान नहीं, योगदान मतलब कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन। तो योगदान का मतलब? अरे मैं इधर वोट की बात कर रही हूँ और तू बेकार में ही अनुवाद कर रहा है। तो भूल जाएगा। अरे ये शब्दों से खेलना छोड़ और देश की चिंता कर। मेरा नाम तो चिंतामणि नहीं है। अरे तेरा जो भी नाम हो मेरे को क्या मतलब, तेरे नाम का वोटिंग आईडी कार्ड होना जरूरी है। मेरे पास तो राशन कार्ड है। अबे अकेला तेरे पास वोटिंग आईडी कार्ड होगा तब तू ही अपने पोलिंग बूथ में घुस सकेगा। अरे मेरे पास, मैं तो टेलीफोन बूथ में घुस जाऊंगा। अबे टेलीकॉम, ये क्या बात हुआ, तू मेरे को पब्लिक को जगाने दे। सुप्रभात बोलेगा या गुड मॉर्निंग? अरे मेरे बाप, तू जो बोलेगा मैं बोलूंगा बस। बकरी पे लिमन बोल के लिमन बोल के दिखा। अरे इलेक्शन में बकरी का क्या काम? अरे दूध पीना, माँ कहती है दूध में कैल्शियम होता है। अरे इसको कोई बचा बचा मेरे से भगवान। तू रुक, मेरे को जनता को पब्लिक की आँख खोलना है। और क्यों आँख खोलना है? आँख खोल के क्या करेगा? दवाई डालेगा। अरे क्या बोलूँ मैं इसको, अगर मैं जनता को अपील नहीं करूँगी तो गलत आदमी पार्लियामेंट में चले जाएंगे। तो बाहर कैसे आएंगे? इसको क्या करूँ मैं भगवान। वोट डाल, वोट डाल, सभी लोग वोट डालो, तभी आप सही आदमी पार्लियामेंट में जाएंगे, देश का विकास होगा, देश में बदलाव आएगा और गलत आदमी पार्लियामेंट से बाहर आएंगे। अब मैंने तो सबको समझा दिया है, तू ही समझा। तो क्या समझा है? पर मुझे तो समझा। अरे तो क्या मैं इतनी देर डिस्को डांस कर रहा था इधर में? अरे भगवान उठा ले, बाबा उठा ले इसको, मेरा दिमाग का दही कर रहा है ये, मेरा सर दुखने को आया। तो हाँ उंगली पे निशान लगाना मत भूलना। अरे अरे अरे, अरे वोट डालने के बाद पैर पे निशान लगवाना है कि उंगली पे निशान लगवाना है? भगवान नमस्कार, नमस्कार करो। हम सब जेएलसी मेंबर्स तो वोट देने जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। आप सभी भी वोट देने जरूर जाइएगा, जाइएगा, जाइएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अच्छा ये बोल दो, धनुष बाण को वोट दीजिएगा, धनुष बाण को वोट दीजिएगा। जेल सी मेंबर ये नहीं होता है, वो अपने आप बोलेंगे ना। बहुत अच्छा हुआ, डेवलपमेंट बहुत अच्छा। उसके बाद खड़े रह के आप यहाँ से शूटिंग होगी।
अच्छा वाला कैमरा किसका, एकदम एचडी वाला प्लीज आप कराइए। और मैं बता देती हूँ मोदी साहब। अच्छा मैं क्या चाहती हूँ कि आप लोग भी इधर, आप लोग आ नहीं लोग फ्रेम आओ इधर, आप पीछे आओगे तो चलेगा नहीं। क्योंकि ये मोदी जी की तरफ से हो रहा है कि हमारी मूल राष्ट्रीय प्लीज जाना रहे और ये सब जगह जाएगा। आप भी तुम जरा जो एक मिनट
इसका जो टी कॉपी वो अंजलि शर्मा जी की तरफ दे दे जरा जोरदार तालियां हो जाए। और नेक्स्ट संडे जो प्रोग्राम है टीवी से लेकर सब जगह अच्छी तरह से चमक रही है, तो नेक्स्ट संडे उसका ही प्रोग्राम टेरो कार से लेकर वास्ते से लेकर सब प्रोग्राम करते हैं। और कल भी अपना पुणे 8 बजे पहुंचने के बाद झटपट हाउसी होएगा और चाय कॉफी और गर्मा गर्म होएगा, मगर पुणे 8 बजे कम्प्लीट होने के बाद वो दक्षा बेन पर इसके चलते हैं। नमस्ते भाइयों और बहनों, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। देश का नेता कैसा हो? मेरे जैसा हो। देश का नेता कैसा हो? मेरे जैसा हो। तो भाइयों, भारत जो मतदान मना रहा है, मतदान का त्योहार मना रहा है, तो आप सभी का वोट बहुत कीमती है, तो आप वोट करने अवश्य जाएंगे और इस महा त्योहार में शामिल होंगे, क्योंकि वोट करना आपका राइट है। तो लेफ्ट क्या है? अरे राइट मतलब आपका अधिकार है, देश की भलाई के लिए वोट डालो। तो गांव की भलाई कौन करेगा? अरे गांव की भलाई के लिए भी वोट डालो। अगर सभी जन अपने देश को वोट का देंगे योगदान, तो होगा बहुत अच्छा योगदान। गुप्तदान क्या है? अरे गुप्तदान नहीं, योगदान मतलब कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन। तो गुप्तदान का मतलब? अरे मैं इधर वोट की बात कर रही हूँ और तू बेकार में ही अनुवाद कर रहा है, तो विवाद कौन हो जाएगा? अरे ये शब्दों से खेलना छोड़ और देश की चिंता कर। मेरा नाम तो चिंतामणि नहीं है। अरे तेरा जो भी नाम हो मेरे को क्या मतलब, तेरे नाम का वोटिंग आईडी कार्ड होना जरूरी है। मेरे पास तो राशन कार्ड है। अबे थकेला, तेरे पास वोटिंग आईडी कार्ड होगा तब तू ही अपने पोलिंग बूथ में घुस सकेगा। अरे मेरे पास, मैं तो टेलीफोन बूथ में घुस जाऊंगा। अबे टेलीकॉम, ये क्या बात हुआ, तू मेरे को पब्लिक को जगाने दे। सुप्रभात बोलेगा या गुड मॉर्निंग? अरे मेरे बाप, तू जो बोलेगा मैं बोलूंगा, बस बकरी पे निबंध को लिख के निबंध बोल के दिखा। अरे इलेक्शन में बकरी का क्या काम? अरे दूध पीना, माँ कहती है दूध में कैल्शियम होता है। अरे इसको कोई बचा, बचा मेरे से भगवान, तू रुक, मेरे को जनता को पब्लिक की आँख खोलना है। और क्यों आँख खोलना है? आँख खोल के क्या करेगा? दवाई डालेगा। अरे क्या बोलू मैं इसको, अगर मैं जनता को अपील नहीं करूंगी तो गलत आदमी पार्लियामेंट में चले जाएंगे। तो वहाँ कैसे आएंगे? इसको क्या करूं मैं भगवान, वोट डाल वोट डाल, सभी लोग वोट डालो, तभी आप सही आदमी पार्लियामेंट में जाएंगे, देश का विकास होगा, देश में बदलाव आएगा और गलत आदमी पार्लियामेंट से बाहर आएंगे। अब मैंने तो सबको समझा दिया है, तू ही समझा। तो क्या समझा है? पर मुझे तो समझा। अरे तो क्या मैं इतनी देर डिस्को डांस कर रहा था इधर में? डिस्को डांस में तो चमकीले कपड़े पहनने पड़ते हैं। अरे भगवान उठा ले रे बाबा, उठा ले रे इसको, मेरा दिमाग का दही कर रहा है ये, मेरा सर दुखने को आया। अरे तू अपने सर की छोड़ और देश के सर को ऊंचा कर। वोटिंग डन। और वोटिंग डन तो तेरे को वोटिंग का वैल्यू मालूम है? हाँ, तो क्या भाइयों और बहनों, वोट डालना आपका अधिकार है, आपका हक है। तो हाँ, उंगली पे निशान लगाना मत भूलना। अरे अरे अरे, अरे वोट डालने के बाद पैर पे निशान लगवाना है कि उंगली पे निशान लगवाना है? भगवान नमस्कार, नमस्कार करो। नमस्कार। हम सब जेएलसी मेंबर्स तो वोट देने जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, आप सभी भी वोट देने जरूर जाइएगा, जाइएगा, जाइएगा। आपको सिर्फ 2 मिनट बोलना है कि आप जेएलसी के लिए क्या करोगे, क्या चेंज लाओगे, क्या नया करोगे। ओके नंबर वन आप पकड़ो, आपका 2 नंबर पकड़ो,
ऐसे सामने पकड़ो, आपका तीन नंबर पकड़ो, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, पेपर सब रख दो, पेपर की जरूरत नहीं, बस आप वही पकड़ो, वो हो गया। चलो अब ये जेएलसी का प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन के लिए खड़े हैं, अब ये भाषण दे रहे हैं कि उनको क्यों सिलेक्ट करना चाहिए, बीच में मत बोलना, इनको क्यों सिलेक्ट करना चाहिए, क्या आप चेंज करना चाहते हो, कौन सी चीज ये करना चाहते हो, आप बताइए। जरा नोट कर लीजिए, इसका वीडियो ले लीजिए, प्रेसिडेंट अंगूठा छापी होते हैं। जी आप सब, हम सब एक परिवार है, तो परिवार में जो सबसे बड़ा रहता है उसकी जिम्मेवारी जो होती है, मैं सोचती हूँ प्रेसिडेंट भी सबसे बड़ा ही रहता है, तो उसकी जो जिम्मेदारी होती है वो जिम्मेदारी मैं निभाना चाहती हूँ, और उसमें हम लोगों की सबकी जो उम्र है वो उम्र के हिसाब से हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज फर्स्ट, और मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं जिम्मेवारी लेना चाहती हूँ और मैं ले रही हूँ। मैं आपको वचन देती हूँ कि किसी को भी कोई भी फिजिकल मेंटल कोई भी मेडिकल पॉइंट ऑफ से तकलीफ होगी तो उनकी सेवा के लिए मैं हाजिर हूँ। इसके आप मुझे बोल दीजिए बोलना है। देखो इसमें जो वोट है ना, ये वोट चेहरा देख के नहीं दिया जाता। आप अगर लोकसभा में आप जाओगे तो ये जो हीरो हीरोइन को क्यों बुलाते हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है कि बाकी सब चेहरे ऐसे हैं, उसके बीच में पांच लोग रहेंगे अच्छे अच्छे, हेमा मालिनी वो सब, तो क्या है उनके ध्यान लोगों की उधर जाए, तो इधर है ना वोटिंग करने वाले आपका फेस नहीं देखेंगे, आप क्या बोलते हो वो देखेंगे। जयंती वाले सबसे पहले तो एक्सरसाइज करेंगे, लाफिंग करेंगे, हंसेंगे और अपना हेल्थ का ध्यान रखेंगे, मैं वो करूँगी, और डिसिप्लिन रखूँगी, टाइम से आए सब लोग, टाइम से जाए, चेकअप सब करें अपना, और हंसी मजाक करते हैं। मेरा सिंबल है स्माइल, सब हंसो जोड़ते हैं स्माइल, और लाफ्टर क्लब में वही हम हंसते आते हैं, तो ऐसे ही हंसते रहो, हंसाते रहो, और गर्मा गर्म और वोट देना मत भूलना, ठीक है, ये चेहरा नहीं दिखना है, नंबर वन, इधर खड़े रहो ना, आप लोगों कैसे मालूम पड़ेगा, आप पोस्टर खड़े करो। देखो दूसरी बात, इसमें से कोई भी एक आएगा आप ये मत सोचना कि जेएलसी वाला आपको प्यार नहीं करते, सब जेएलसी वालों को प्यार है, मगर जब ऑप्शन नहीं है किसी एक को ढूंढना है तो चॉइस करेंगे, तो इसके लिए आप बिल्कुल कुछ ये मत लाना, दिल पे मत लेना, ओके। देखो अभी ये आप पकड़ो दो, आप पकड़ो दो से पकड़ो, और ये तीन, ओके, ये तीन में से आपको देखो आपके बैलेट पेपर में लेफ्ट साइड में एक बॉक्स है, सबके उसके सिर्फ आप लिखो वन टू या थ्री, कोई भी एक लिखो, बॉक्स के अंदर कोई भी एक लिख लो, फोल्ड नहीं करना है, फोल्ड नहीं करना है, सिर्फ बॉक्स के अंदर वन टू या थ्री एक लिखो, दो थ्री फोल्ड नहीं करना है, आपको ऐसे ही रखना है, फोल्ड नहीं करना है, ओके, और सबका हो गया, चलो हम कलेक्ट कर लेते हैं, वोटिंग कहाँ करेंगे, दो मिनट में वोटिंग कहाँ हो जाएगा, आप कर दो मिलकर कर लो, पीछे वाले बाकी है, लाओ लाओ लाओ, अगर अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर मुझे प्रेसिडेंट मैं इलेक्शन खड़ा रहा हूँ,
तो मैं क्या करूंगा? तो मुझे अगर आप लोग प्रेसिडेंट बनाते थे तो सबसे पहला तो मैं गर्मा गर्म के लिए एक बड़ा में बड़ा जो बॉम्बे का रेप्यूटेड जो कैटरर्स रहेगा उसके साथ कॉन्टेक्ट करूंगा। उसके साथ नमस्ते नमस्ते नमस्ते। देश का नेता कैसा हो? बिल्कुल मेरे जैसा हो। देश का नेता कैसा हो? बिल्कुल मेरे जैसा हो। भाइयों और बहनों, भारत देश मतदान का त्योहार मना रहा है। आप सभी इस त्योहार में शामिल हो सकते हैं अपना कीमती वोट देकर। आप वोट देंगे तो देश का विकास होगा, आप वोट देंगे तो देश में बदलाव आएगा। इसलिए मतदान अपना जरूर करें। मतदान करना, वोट करना आपका राइट है। तो लेफ्ट क्या है? अरे राइट मतलब अधिकार। देश की भलाई के लिए वोट डालो। तो गांव की भलाई के लिए है? अरे नहीं नहीं, गांव की भलाई के लिए भी वोट डालो। वोट डालने से देश में आपका वोट का योगदान दो। तो गुप्तदान कौन करेगा? अरे योगदान माने कंट्रीब्यूशन। तो गुप्तदान का मतलब? अरे मैं इधर देश की भलाई की बात कर रहा हूँ और तू बेकार में ही अनुवाद कर रहा है। तो विवाद कौन करेगा? अरे ये शब्दों से खेलना छोड़ और देश की चिंता कर। मेरा नाम तो चिंतामणि नहीं है। अरे तेरा जो भी नाम होने दे, तेरा नाम वोटर आईडी कार्ड में है के नहीं? मेरा राशन कार्ड भी है। अरे वोटर आईडी कार्ड अगर नहीं होगा तो तू पोलिंग बूथ में कैसे घुसेगा? मैं टेलीफोन बूथ में घुस जाऊंगा। अबे टेलीकॉम, मैं इधर देश की बात कर रहा हूँ, वोटिंग की बात कर रहा हूँ। तू रुक, मुझे पब्लिक को जगाने दे। सुप्रभात बोलेगा या गुड मॉर्निंग? अरे मेरे बाप, तू जो बोलेगा मैं बोलूंगा बस। तो बकरी पे निबंध बोल के दिखा। अरे इलेक्शन में बकरी में क्या करूंगा? बकरी का दूध पीना, माँ कहती है दूध में कैल्शियम होता है। अबे विटामिन हटेला साला घटेला, तू क्या बोलता? मेरे को पब्लिक की आँख खोलने दे। आँख खोल के क्या करेगा? दवा डालेगा? अरे हाँ, ये पार्लियामेंट में सब गलत गलत लोग चले जाएंगे। वोट डालने से, ये वोट नहीं डालने से पार्लियामेंट में गलत लोग चले जाएंगे। बाहर कैसे आएंगे? वोट डालने से। वोट डालेंगे तो सही इंसान को चूज करेंगे जनता, फिर देश का विकास होगा और पार्लियामेंट में सही लोग अंदर जाएंगे और गलत लोग बाहर आएंगे। मैंने तो समझा दिया इनको, अब तू समझा। पर मुझे फिर से समझाना, क्या सब पब्लिक को समझाना है? अरे तो क्या मैं इतने देर डिस्को डांस कर रहा था? डिस्को डांस के लिए तो चमकीले कपड़े पहनने होते हैं। अरे भगवान उठा ले रे इसको, उठा ले रे बाबा, ये मेरा सर खा रहा है, मेरा सर का दही जमा दिया है। तू अपनी सर की छोड़, देश के सर को ऊंचा उठाना है। और देश के सर को ऊंचा डालना है, फिर आप लोग वोट डालिए। अच्छा तो वोट का वैल्यू आपको पता था? हाँ, तो फिर भाइयों और बहनों, आप लोगों का अधिकार है, कृपया करके आप वो जरूर से जरूर डालिए। हाँ, और वोट डालने के बाद उंगली पे निशान लगाना मत भूलना। अरे 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 अरे, भाइयों और बहनों, पहले मुझे आप बताइए कि वोट देने के बाद पैर की उंगली पे निशान लगाना है कि हाथ की उंगली पे निशान लगाना है? हम सब तो वोट दे रहे हैं, जूल आफ्टर क्लब के मेंबर वोट देंगे देंगे देंगे। आप सभी भी वोट दीजिएगा दीजिएगा दीजिएगा। धन्यवाद। तू दोनों मिले इस तरह, एक मैं और एक तू दोनों मिले इस तरह, और जो तन मन
बोलो 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 बोलो। एक मैं था एक तू, दोनों मिले इस तरह, हो एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था। दोनों मिले इस तरह, एक
तू दोनों मिले इस तरह, एक मैं और एक तू दोनों मिले इस तरह। और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था, एक मैं और एक तू